असलकुम डियर स्टूडेंट्स इन टूडे सेशन ऑफ़ फ़िज़िक्स हब वी विल डिस्कस अवर टॉपिक नंबर ट्वेल्व पॉइंट एट अप्लीकेशन्स ऑफ गाजिज ला और आज के लेक्चर में हम गाजिजला के फ़र्स्ट अप्लीकेशन को इन डिटेल स्टडी करेंगे सो so, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इन साइड अ हॉलो चार्ज फेयर सो बेसिकली आज हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे इन साइड अ हॉलो चार्ज फेयर और जब आप टॉपिक को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे तो आप एंड पे ये रिज़ल्ट प्रूव करेंगे इस रिज़ल्ट को फाइंड करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलो चार्ज फेयर के अंदर होती है वो बेसिकली कितनी होती है जीरो होती है सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर ओके स्टूडेंट्स अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इन साइड हॉलो चार्ज फेयर यानी आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे कहाँ फाइंड करेंगे इन साइड अ हॉलो चार्ज फेयर यानी हमने एक हॉलो स्फेयर लेना है और उसको चार्ज करना है और उस स्र के अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है आप स्टूडेंट्स होलो स्फेयर्स क्या होते हैं आपने दो तरह के स्फेयर्स देखे होंगे एक वो जो अंदर से फील्ड हों तो ऐसे स्फेयर्स को हम कहते हैं सॉलिड स्पेयर्स जैसे आप अपनी अर्थ की एग्जाम्पल ले सकते हैं द सेकेंड कैटेगरी इज हॉलो स्फेयर्स ये वो स्फेयर्स होते हैं जो अंदर से हाली हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ बलून इन spherical शेप अगर आपके पास एक बलून है जो कि स्फेरिकल शेप में है तो उसको आप हॉलो स्फेयर कह सकते हैं क्यों क्योंकि वो अंदर से हाली होता है स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसटी फाइंड करनी है और उसके लिए जो हमारी एजम्पन्स होंगी हम एक फेयर लेंगे ऐसा स्फेयर जो अंदर से खाली हो उस स्फेयर के ऊपर चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन उस फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे कैसे फाइंड करेंगे हम गाजीज ला का इस्तेमाल करेंगे गाजीज ला क्या था उसकी स्टेटमेंट आपने क्या स्टडी की थी द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज वन आवर आर टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट सो मैथमेटिकली हमने उसे लिखा था कि फ्लक्स फाइव ई इज इक्वल टू वन आवर एप्सल नार टाइम्स क्यू अब ये क्यू है क्या है ये एक चार्ज है सवाल पैदा होता है किस तरह का चार्ज है स्टूडेंट्स ये चार्ज इनक्लोज बाय द दर्फेस है अब बाहर वाला चार्ज क्यों नहीं सिर्फ अंदर वाला चार्ज ही क्यों इंपॉर्टेंट है बाहर वाला चार्ज भी तो फ्लक्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है या करता होगा स्टूडेंट्स बाजार तो ऐसा लगता है मगर इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती किस चार्ज की वो चार्ज जो किसी बॉडी के बाहर पड़ा हुआ है उसकी फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती देख लेते हैं कैसे सपोज मेरे पास ये स्फेरिकल बॉडी है और इसके बाहर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है अब इस पॉजिटिव चार्ज में से मैं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंसीडर कर रही हूँ ये पॉजिटिव चार्ज में से एक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और उस के अंदर जा रही है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप देखें दूसरी साइड से तो इस फेयर से बाहर भी निकल रही है मतलब जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स लीव कर रहा है यानी फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग सो नेट फ्लक्स अगर इस फेयर पर आप देखें तो वो क्या है ज़ीरो है क्या है ठीक है यानी एक लाइन ऑफ फोर्स एंटर हुई फेयर में और वही बाहर निकल गई एज अ होल अगर हम देखें इस में कोई चेंज आया कोई चेंज नहीं आया इसमें कोई फ्लक्स मौजूद है कोई फ्लक्स मौजूद नहीं है तो ये रीजन है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब हम फाइंड करते हैं या गाजी झला को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ चार्ज इनक्लोज को ही कंसीडर करते हैं यही एग्जांपल मैं ले लेती हूँ इसी स्फेयर में मैं एक पॉजिटिव चार्ज इसी स्फेयर के सेंटर में रख रही हूँ स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखें कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइन निकल रही है यानी यहाँ कुछ ना कुछ फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन हो रही है इसी तरह नेगेटिव चार्ज को अगर आप कंसीडर करें तो वो भी कुछ ना कुछ आपको फ्लक्स दे रहा है ठीक है सो ये रीज़न है कि हम लोग चार्ज इनक्लोज ही क्यों कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स इस स्लाइड में हमने सिर्फ जो बेसिक अजम्पन्स थी या जो बेसिक कंसेप्ट थे इस टॉपिक से रिलेटेड उसको स्टडी किया है नेक्स्ट स्लाइड में हम जाके इन डिटेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे मैथमेटिकल रिलेशन यूज करते हुए गाजी को अप्लाई करते हुए सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड ओके स्टूडेंट्स हेडिंग दे लें अजम्पन्स एंड कैलकुलेशंस लेट्स पोज अ कंडक्टिंग सफेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर ऑन विच चार्जेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हमने क्या किया एक कंडक्टिंग सफेयर ले लिया है और सफेयर के ऊपर चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड साइड दिस चार्ज फेयर यूजिंग काज So, सो ला को यूज करते हुए हम लोग क्या करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे इन साइड दिस हॉलो चार्ज फिर अब स्टूडेंट्स अगर इसी शेप को आप कंसीडर करें कुछ इस फॉर्म में सो चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफ़ेस अब इस बॉडी का जो रेडियस है बॉडी का वो है कैपिटल आर अब ये जो ग्रीन रीजन आपको नजर आ रहा है दिस इज गाशियन सरफेस। स्टूडेंट्स गाशियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसे हम उस पॉइंट में कंसीडर करते हैं जहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना होता है सो गाशियन सरफेस की डेफिनेशन नोट कर लें कि गाशियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस विच इज कंसीडर्ड अवर दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटर्मेंट सो हम कंसीडर करेंगे गाजी जिला को गाजी था फ्लक्स इज इक्वल टू वन आवर टाइम्स क्यू वेयर क्यू इज द चार्ज इनक्लोज सो यहां हम वही बता रहे हैं कि वी हैव कंसीडर्ड अ गाशियन स्पेयर सच दैट आर डैश इज लेस देन आर अब चूंकि गाशियन सरफेस हम कहाँ कंसीडर करते हैं ऐसी जगह कंसीडर करते हैं जहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना होता है अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कहाँ फ़ाइंड करनी है इन साइड दस फेयर इसलिए गाशियन सरफेस आप इन साइड दस फेयर ये कंसीडर कर रहे हैं गाशियन सरफेस कहाँ कंसीडर कर करें इन साइड द फेयर कंसीडर कर रहे हैं अब चूंकि ये इन साइड दस फेयर है तो इसका रेडियस क्या होगा कम होगा एज़ कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द आपका जो सफेरिकल ऑब्जेक्ट है हॉलो है ठीक है सो जब गाजी जिला आपने अप्लाई किया फ्लक्स इज इक्वल टू वन आवर एप्सल नाट क्यू अब यहाँ इन साइड अगर आप देखें तो क्या कोई चार्ज मौजूद है नहीं इन साइड कोई चार्ज नहीं है चार्जिज सिर्फ इस फेयर की आउटर सरफेस पे मौजूद है सो so, क्यू यहाँ आपका क्या है जीरो है अब चूंकि क्यू ज़ीरो है इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी है ज़ीरो आ गई है इसे मार्क करें इक्वेशन नंबर वन अब स्टूडेंट्स फ्लक्स की एक सेकेंड डेफिनेशन की तरफ आते हैं जो बेसिक डेफिनेशन आपने स्टडी की थी जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा था तो आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज़ डिफ़ाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फ्लक्स फ्लो को कहते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ़्लो हो रही हैं किसी रीजन में से किसी एरिया में से तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं सो so, वो डेफिनेशन जब आपने लिखी उसे आप इक्वेशन नंबर टू मार्क कर लें आप स्टूडेंट्स चूंकि ये दोनों फ्लक्स की ही रिलेशन है तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिला ई डाटे इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट इस रिजल्ट को अगर आप देखें तो यहां से ये पता चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की जो प्रोडक्ट है वो अगर जीरो के इक्वल आती है तो इसका मतलब ये कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है या एरिया जीरो है स्टूडेंट्स कोई भी बॉडी जो एग्जिस्ट करती है उसका एरिया जीरो नहीं हो सकता सो एरिया कैन नाट बी इक्वल टू जीरो सो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ई शुड बी जीरो अगर एरिया जीरो किसी बॉडी का नहीं हो सकता तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें ये चाहिए कि कुछ सेकंड जो इसके साथ टर्म आ रही है वो क्या होगी ज़ीरो होगी एरिया नहीं ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है सो यही तो हमने फ़ाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ही तो हमने फ़ाइंड तो करनी थी सो हमने क्या फ़ाइंड किया फ़ाइनल कंक्लूजन हमने क्या अहज़ किया फ़ाइनल जो रिज़ल्ट है वो हम किस रिज़ल्ट पर पहुँचे कि कोई भी स्फेरिकल बॉडी जो है अगर वो अंदर से हॉलो है और उसके बाहर आपने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इन साइड द हॉलो चार्ज स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ जीरो हॉलो चार्ज स्पेयर इज जीरो भी हॉलो चार्ज स्पेयर के अंदर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो होती है आप इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं इसको समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रीवियस टॉपिक्स आपने स्टार्ट में पढ़ा था अलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ठीक है आपका प्रीवियस लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी यानी हमने कहा था कि ये वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी चार्ज की सराउंडिंग में हम कंसीडर करते हैं जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना हो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना हो सो सपोज वहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे या जो प्रॉपर्टीज थी उसको जब आपने स्टडी किया था तो आपने देखा था दो सेम चार्जेस की फी लाइंस को सपोज मेरे पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं अब इन पॉजिटिव चार्जेस की अगर आप फील लाइंस को देखें तो कुछ इस तरह से हैं अब ये सेंट्रल जो पॉइंट है यहाँ से कोई फील लाइन नहीं गुजरी क्योंकि चूँकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं यहाँ सेंटर में अगर आप देखें तो कोई फील लाइन नहीं है मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है जीरो है स्टूडेंट्स ये तो दो चार्जेस की बात होगी अगर यहाँ मैं एक और चार्ज रखती हूँ उसके करस्पोंडिंग सामने एक और चार्ज रखती हूँ स्टूडेंट्स तब क्या होगा तब भी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो है चार्जेस को अगर स्टूडेंट्स में इस फेरीकर फॉर्म में इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और आप इमेजिन करें कि अगर ये तमाम चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस सेम चार्जेस एक स्पेयर की फॉर्म में इस तरह से पड़े हुए हैं तो तब भी आपके यहाँ चार्जेस के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो होगी क्यों क्योंकि यहाँ से रिपल्शन की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो होगी और इस पॉइंट पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है सो so इसको हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड द हॉलो चार्ज फेयर जीरो सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फील्ड फ्री रीजन स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग इस एप्लीकेशन को देखेंगे कि रियल लाइफ में कहाँ यूज़ किया जा सकता है सो लेट्स मूव टूअर्स द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स नाउ विल डिस्कस दैट इन रियलिटी वेयर दिस कंसेप्ट इज यूज्ड अब हम लोग देखेंगे कि रियलिटी में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है स्टूडेंट्स यू नो अबाउट द मेटल्स द मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो सपोज़ आई हैव दिस मेटेलिक मेटेलिक्सपेयर में एक मेटेलिकफेयर लेती हूँ अब इस मेटेलिक मेटेलिकफेयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ड्यूरिंग रिपेल्शन दे विल अरेंज ईच अदर ओवर द सर्फेस ऑफ द स्फेयर ठीक है वो रिपेल करते हुए एक दूसरे को दूर करते हुए कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस फेयर की सरफेस के ऊपर ठीक है सो so, अब इस फेयर को अगर देखें तो इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी ही हो जाती है जो कि आज आपने पढ़ा है हॉलो चार्ज फेयर सो so, यहाँ चार्जेस चूँकि इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सो so, इस फेयर के सेंटर में इस फेयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या है ज़ीरो हो जाएगी अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है स्टूडेंट्स इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रीजन को जनरेट करने के लिए कुछ सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या कुछ हमारी डिवाइस ऐसी होते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल सर्कट्स ऐसे होते हैं जो कि सेंसटिव होते हैं और उनको हम बाइड की जो फील्ड होती हैं उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक मेटल बॉक्स के अंदर रखते हैं रियलिटी में अगर आप देखें तो आपके जो टी वी या कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जो ग्राफिक्स होती हैं जो तस्वीरें होती हैं वो बाइड की इलेक्ट्रिकल फील्ड मैगनीटिकल फील्ड से इंटरफेयर होती हैं जिसकी वजह से आपके टी वी या कंप्यूटर के ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर्स की जो क्वाल होती है वो खराब हो सकती है स्टूडेंट्स इस वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्स हैं उनकी इंटरफेरेंस से बचने के लिए टी या कंप्यूटर को हम जो डिज़ाइन करते हैं वो मेटल बॉक्सेस के अंदर डिज़ाइन करते हैं क्यों ऐसा करते हैं ताकि वो क्या करें ये मेटल बॉक्सेस शील्ड करें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस यानी जो बाहर की इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक या कोई भी फील्ड्स की जो इंटरफेरेंस होती हैं उनको ब्लॉक करने के लिए हम टीवी या कंप्यूटर्स या जितने भी हमारे सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसको हम एक मेटल बॉक्स के अंदर रखते हैं इसी तरह का इस्तेमाल अगर आप देखें आपकी जो केबल वायर्स हैं उनको भी शील्ड किया जाता है बाय यूजिंग द मेटल शील्ड एक मेटल शील्ड यूज़ करते हैं जैसे जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है उसके अंदर हम केबल वायर्स को रखते हैं ताकि जो बाइट की फील्ड्स होती हैं वो हमारे करंट को डिस्टर्ब ना कर सकें हमारे करंट के साथ इंटरफेयर ना कर सकें सो so, अब ये जो एप्लीकेशन है ये तो हमने देखे जो लार्ज स्केल पर यूज़ हो रहे हैं रियलिटी में आप एक्सपेरिमेंट करके भी इसको इमेजिन कर सकते हैं देख सकते हैं कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा होता है आप दो फ़ोन लें एक फ़ोन को एलुमिनियम फॉयल के अंदर रैप करें ठीक है अब जब आप उसको एलुमिनियम फॉयल के अंदर रैप करेंगे तो एलुमिनियम क्या है एक मेटल है मेटल के पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे रिपेल करते हुए वो इस मेटल की शीट के ऊपर सॉरी इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अब चूंकि चार्जेस तो सारे आगे इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली उन्होंने एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है तो इन साइड दिस एल्युमिनियम फॉइल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी ज़ीरो होगी ठीक है सो अब इसके अंदर चूंकि फील फ्री रीजन जनरेट हो गया है तो इस फ़ोन से भी अगर आप कॉल करने की कोशिश करेंगे बेशक इसके करीब तरीन भी आप रखें तो वो क्या होगा आपको फ़ोन रिंग नहीं करेगा मैसेज वगैरह नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ आप ये जो सिग्नल्स हैं वो क्या हो रहे हैं ब्लॉक आउट हो रहे हैं सो द सेल फोन रैप्ड इन अ लेयर ऑफ अलूमिनीम फॉइल के नॉट रिसीव कॉल्स द फॉयल एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्रिएट्स अ बैरियर अराउंड द फ़ोन ब्लॉकिंग द रेडियो सिग्नल ऑन विच इट ऑपरेट्स स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा इन शाला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे टिल देन टेक केयर अल्ला हाफिज